नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आईपीएल में अपने लुभावने अनुबंध को बचाए रखने के लिए इतने बेताब थे कि वो एक खास समय के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनके साथियों पर छींटाकशी करने से डरते थे और इसके बजाय उनकी चाटुकारिता किया करते थे। विश्व कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आईपीएल में अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाए रखने के लिए इतने बेताब थे कि वे खास समय के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनके साथियों पर छींटाकशी करने से डरते थे और इसके बजाय वे उनकी चाटुकारिता करते थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ यादगार द्विपक्षीय मुकाबले हुए हैं, लेकिन क्लार्क का मानना है कि जब भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत का सामना करते हैं तो उनकी निगाहें हर साल अप्रैल मई में होने वाले आईपीएल पर ही लगी रहती है। क्लार्क ने बिग स्पोर्ट्स ब्रेकफास्ट से बात करते हुए कहा कि इस खेल में वित्तीय रूप में देखा जाए तो सभी जानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय या आईपीएल के कारण घरेलू स्तर पर कितना शक्तिशाली है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और संभवतः प्रत्येक टीम ने इस दौरान विपरीत रवैया अपनाया और वास्तव में भारत की चाटुकारिता की। वे कोहली या अन्य भारतीय खिलाड़ियों पर छींटाकशी करने से बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें अप्रैल में उनके साथ खेलना था। क्लार्क के इस खुलासे के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। क्लार्क ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर निर्ममता पूर्वक पेश आने के चरित्र के साथ समझौता किया गया क्योंकि आईपीएल नीलामी में टॉप 10 ड्रॉ में आने के बाद उन्हें लगा कि वो कोहली पर कभी छींटाकशी नहीं कर सकते हैं। क्लार्क ने बातचीत में बताया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का व्यवहार काफी अलग था। खिलाड़ी बोल रहे थे कि वे कोहली पर छींटाकशी नहीं कर सकते क्योंकि वे चाहते थे कि विराट कोहली उन्हें अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए चुने ताकि वे डेढ़ महीने में $10,00,000 कमा सकें। क्लार्क ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ समय के लिए ऐसे दौर से गुजरा जहां ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट थोड़ा नरम पड़ गई थी या फिर उतनी कड़ी नहीं थी जितना कि हम देखने के आदी हैं। क्लार्क ने यह बात उस समय के लिए की जब गेंद से छेड़छाड़ के मामले के बाद टीम के साथ एलीट और ईमानदार जैसे शब्द जोड़े गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैदान पर कड़ा मुकाबला होता रहा है और इस दौरान मैदान पर जुवानी जंग भी देखने को मिली जिनमें 2007-08 और 2018 का भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा भी शामिल है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करें और नीचे दिख रही घंटी को भी बजा दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो खेल की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एनएन स्पोर्ट्स।